हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। और आप सभी को माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद, और माता रानी करे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो आज है चौथा नवरात्रा और मैं अभी नहा के जस्ट आई हूँ, काम वाम सारा अपना ख़त्म कर चुकी हूँ। 10 बज रहे हैं अभी, और नॉर्मली होता है कि मैं नहाने के बाद जाके पहले अपना मेकअप लुक करती हूँ और फिर उसके बाद तैयार होके पूजा में बैठती हूँ। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि होता क्या है ना कि उसमें इतना टाइम चला जाता है कि मेरी पूजा लेट हो जाती है। तो मैं आज टाइमली पूजा ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि कल क्या हुआ था ना, कल थोड़ा तो मुझे काम भी ज़्यादा था और कुछ मैं थोड़ा सा जैसे सोने में भी लेट हो गई थी परसों, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी। उसके बाद जब मैंने तैयार वैयार हुई, मेकअप वेकअप किया, सब कुछ किया, 2 बज चुके थे पूजा ख़त्म करते करते। मतलब मैंने शायद 12:30 पूजा कल शुरू की होगी, तो आई थिंक ये चीज़ सही नहीं है। अपना टाइमली पूजा फिनिश कर लो। आज भी मैं लेट हूँ, लेकिन आज तो काम भी था थोड़ा सा, ब्रूनो मार्क्स को भी देखना था चेतन, क्योंकि आज सुबह सुबह अपने कुछ शूट पे चला गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा काम बढ़ गया था। बट ठीक है, इतना तो ठीक है। अभी मैं बस फटाफट जाके पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं आराम से शांति से, मेरे पास पूरा दिन होगा, तब जाके मैं फिर बाकी की चीज़ें अपना करूँगी। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे सामग्री घर पे ही बनाती हूँ। पूरी सामग्री तो नहीं, बट हाँ, जो मार्केट वाली सामग्री है ना, उसमें मैं कुछ चीज़ें मिलाती हूँ, जिसके बाद अगर आप हवन करेंगे इस सामग्री से, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी, बिल्कुल एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है घर में। तो मैंने क्या किया ना, मार्केट वाली सामग्री में ही पहले पंचमेवा मैंने यहाँ पे ऐड किया है। पंचमेवा आपको मार्केट में बना बनाया पैकेट मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। 5 तरीके के मेवा डालते हैं पंचमेवा में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है थोड़ी सी जौ, थोड़ी सी इलायची। इलायची आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मतलब ऐड करना होता है। बाकी उसके बाद मैंने ऐड किया है काले तिल, चावल, ये साबुत चावल हैं, टुकड़ा नहीं है। उसके बाद मैंने ऐड किया है यहाँ पे शहद, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। ये जो मैं बना रही हूँ ना सामग्री, जब आप कथा पढ़ते हैं ना, तो कथा में विधि में भी जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये मेंशन किया होता है कि ये चीज़ें डाल के अगर आप हवन करते हैं तो और भी ज़्यादा मतलब अच्छा होता है नवरात्रों में। तो बस मैंने वही किया है, सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके, और घी की क्वांटिटी जैसे जैसे मैं मिक्स करते जाऊँगी, मैं देखते जाऊँगी, अगर मुझे ज़्यादा ड्राई लगेगा तो मैं ऐड कर दूँगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप हवन शुरू करें, हवन शुरू करने से पहले लौंग का एक जोड़ा पहले सबसे पहले आप डालें, कुछ भी डालने से पहले हवन में। लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग के पीस, तो एक जोड़ा बना के लौंग का वो पहले डालें, उसके बाद कुछ और डालें। वैसे पूजा तो हो चुकी है, और मैंने क्या किया ना, हवन जो है मेरा वो भी मैंने अभी बाहर रख दिया है, क्योंकि पूरा अभी ये थोड़ी देर तो और चलेगा, प्लस मैंने इनको भी थोड़ा धूप दिखाने के लिए बाहर रख दिया। टीका लगा के हीरो बन रहे हैं क्या? हीरो बन रहे तो है ना, नहीं ये पूरा दिन सोता रहता है, और रात में और अर्ली मॉर्निंग ना बिल्कुल सोने नहीं देता ये, इसको बस ये रहता है पार्क चलो। देखो भाई, ब्रूनो को इसके अंदर घुसा दिया। अच्छा ब्रूनो, उस दिन पत्ती के ऊपर गिर गया, इसने तो अपना घर बना दिया। वो कह रहे थे है, मुझे बस कर दिया। डर गए बेटा, इसमें बैठ के जैसे
आपको डर लग रहा है? कांप रहा है, कांप रहा है। अभी से भी बैठाओ, चल भाई तू भी आ जा, चल अंदर अंदर आ जा, अब दोनों का यही घर हो गया तुम्हारा। अच्छा मैं क्राउड देगा भाई, अरे जमीन पे सही वो चाहिए ना कुछ पकड़ने के लिए। चल तेरी, चल मैं ऊपर, चल ऊपर, चलो इसके इनको अपने नए घर में बिठाओ, इस वाले नए घर में ये चलो मैक्स जा रहे, ब्रूनो को भी अंदर करो, मैक्स को ये नहीं डरेगा ना, क्या ये क्या खुलेगा नहीं, मेरी बना दो, मेरी बना लो, हट जा मैं, अब तू जा रहा है यहाँ से ट्रांसफर, खोल देंगे, खोल देंगे, लो भाई बंद कर दिया इन्होंने तो, डर जाएगा वो एकदम से, बड़ा मतलब जालिम इंसान है। अरे ये डरता नहीं है, मैक्स क्यों, मैक्स क्या हुआ, क्या हुआ आपको बंद कर दिया, मैक्स नेक है, अब तुमने शैतानी कर दी, सुबह पार जाने के लिए बोला तो ये तेरे लिए ही है, अब वो बोलेगा ही नहीं, आ जा इतने ऊपर से निकल जाएगा इससे, इसको थोड़ा रन के लिए मिलता ना स्पेस, इसमें ऐसे ऐसे तो खुद जाता है, अब चेतन जाएगा अंदर, ये टूट जाएगा भाई, चेतन की होगी, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, तू बैठ तो सही, अब इसे बंद करो भाई साहब, ये कितना मजबूत है, ये 100 साल, 100 साल पुराना है, 100 से भी ज्यादा होगा, 100 साल पुरानी संदूक है ये, और अब चेतन जा रहा है, रुक 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 जा, मैं तो गिरा दूं तुमसे, कर कर लो नीचे, देख ले इसमें है या नहीं, पैक हो गए, कर दो बंद, खुल जा सिंह सिंह, खुल जा सिंह सिंह, मैक्स पापा, पापा वो दोनों कह रहे ठीक है बंद कर दे, दोनों भाग गए, दम घुट रहा है, नहीं घुटेगा, 1 2 3 खुल जा सिंह सिंह, चेतन की अनबॉक्सिंग, क्या ना बहुत मजबूत है, कितना मजबूत है ये, लो ये चीनू की टर्न आ गई, चीनू भी बैठे के अंदर, करो इसे भी बंद, तो परमानेंट बन गए, ले ले ओए आराम से, आराम से छोड़ो छोड़ो, ताला लेके बनावट बंद कर, कुंडी लगाओ, कुंडी को ये निकलनी चाहिए बाहर, ये बैठ गया ऊपर, कुंडी की जरूरत नहीं, माता जी ऊपर बैठ गए, इसके अंदर क्या निकलेगा, खुल जा सिम सिम, इसमें पता है ब्रूनो डर रहा था ना मैं अंदर गई हूँ तो, है भाई नहीं भाई, कहाँ दीदी, कहाँ दीदी, भैया कहाँ, आज होने वाली अदिति की अनबॉक्सिंग, ये निकली अदिति इसके अंदर से। तो बस 3 बज चुके हैं और चेतन और मौसी का खाना हो गया है, दाल चावल बनाए थे मैंने, और मोस्टली ये लोग दिन में दाल चावल ही प्रेफर करते हैं, और बस अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, वैसे तो मैं 4 बजे बनाती हूँ बट मुझे अब हल्की हल्की सी भूख लग रही है तो मैं चाय बना लेती हूँ, और साथ में देखते हैं क्या खाते हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी आज ना भूख लग रही है, सुबह मैंने सिर्फ चाय पी थी और कुछ नहीं लिया था, नहीं सुबह भी मैंने चिप्स खाई थी, मैंने चिप्स का एक पैकेट खाया था बट पता नहीं क्यों आज भूख लग रही है, और फ्रूट्स वगैरह मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा, मतलब ना के बराबर केले रखे हैं लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो चेतन ने भी बोला था कि 2 केले खा लियो बट मूड ही नहीं हो रहा, मतलब अंदर से ऐसी क्रेविंग नहीं आ रही, तो देखते हैं चाय बनाते हैं चाय पीते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने ब्यूटी रूम में जो कि राइट नाउ नॉट सो ब्यूटी रूम, अभी फ़िलहाल इसी का ब्यूटिफिकेशन करना है मुझे, और बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये जो वॉल है ना ये मुझे बहुत पसंद आती है वीडियो में, मैंने रिसेंटली अभी इस पर शूट करके देखा एंड बहुत अच्छी फुटेज आ रही है, पहले मेरे दिमाग में था कि मैं इस वॉल के कलर को चेंज कर दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क लगता है इन पर्सन, लेकिन अब जब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है, मतलब एक ना बैकग्राउंड में वीडियो अच्छी लग रही है इसमें,
तो अब मैं ये कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इसे चेंज करूँ कि नहीं करूँ, और फिर जो भी अगर मैं कलर चेंज करती हूँ तो मुझे उसी कलर के अकॉर्डिंग बाकी पूरे रूम का थीम करना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं मतलब मेरे पास ये चीज़ एक अच्छी हो जाएगी कि मुझे पेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर मुझे बाकी का इंटीरियर इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो पता नहीं, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्लस क्या चीज़ कहाँ जानी चाहिए। मतलब अभी क्या हो रहा है ना कि मैंने बस उठाया है फर्नीचर और डाल दिया अंदर रूम में, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही है मुझे ना कि जैसे सेट बैठी हो। मतलब मैं डेली रूम में आती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ठीक कर दी है। तो अभी मेरे दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक कॉर्नर बनाऊँ जहाँ पे कॉर्नर में मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट, साथ में कुछ बड़ा सा एक प्लांट प्लस उसके साथ में कुछ एक लाइट ऐड कर दूँ। एक मतलब बेसिकली मैं एक कॉर्नर बनाऊँ जिसमें मैं बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ, और अदरवाइज़ अगर मुझे वो नहीं करना है तो मैं ये पूरी वॉल को यूज़ कर सकती हूँ, और यहाँ पे बेसिकली मुझे कुछ बनाना पड़ेगा सिटिंग अरेंजमेंट। अभी फ़िलहाल मैंने फ्लोर पे बनाया हुआ है, गद्दे लगाए हुए हैं और उस पर मैं बैठी हूँ, तो मैं बेसिकली ये फ्लोर वाला अरेंजमेंट नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं कुछ कुर्सी वर्सी लगा के प्रॉपर अच्छे तरीके से कुछ बना लूँ। देखते हैं क्या करूँगी क्या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और जब भी करूँगी तो आपके साथ तो शेयर कर ही दूँगी। फिर भी आपके अगर कुछ आइडियाज़ हों, कुछ अगर आपके दिमाग में चीज़ें हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, मेरी बहुत हेल्प होगी। और अभी मैं आ गई हूँ इधर रूम में, अपनी चाय पीऊँगी, थोड़ी मुझे एडिटिंग करनी है। मुझे बेसिकली दो वीडियोज़ एडिट करनी है ब्रांड्स की, और वो सुबह से सिर्फ वॉइस ओवर की वजह से रह गई है, तो अभी फ़िलहाल बैठ के मैं फटाफट वो ख़त्म करूँगी और उनको डिलीवर कर दूँगी। अरे जूता क्यों ना, चेतन जो जो बोल रहा ना पूरा रिएक्शन दे रहा था ये। हाँ मक्कू करियो। हेलो, मैक्स के लिए क्या लेके आना है कल? मैक्स कह रहा था कि उसे बिस्किट खाने थे। गड़ा दे। और वो गर्लफ्रेंड वाली बात, गर्लफ्रेंड वाली सही है बेटा, पहले जूता उठा फिर बाप का मुंह चढ़। कह रहा जा रहा है कि तेरे बेटे को मारू। बस यही बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। नहीं।